करें योग रहे निरोग। हिमालय की सबसे पुरानी योग्य परंपरा से संबंध रखने वाले ग्रैंड मास्टर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित और दूरदृष्टि योग गुरु देश की सबसे प्रमुख योग गुरुओं में से एक है। अक्षर योग के संस्थापक और अध्यक्ष ग्रैंड मास्टर अक्सर योग ने कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 20 करोड़ से अधिक छात्रों को योग और आध्यात्मिकता में प्रशिक्षित किया है। अपने अनुभव शिक्षक परीक्षण कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने 3000 योग शिक्षकों का एक वैश्विक नेटवर्क भी बनाया है। गुरुजी ने कम से कम समय में किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है ऐसे अनेक योगों के बारे में बताया है। नमस्कार, मैं हूं अभि चौधरी और आप देख रहे हैं आज प्रकाश टीवी। योगा जो कि हर एक मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है, बिना योग के आजकल आदि बीमारियां हो जाती हैं। इस वक्त हम आपको मिलाएंगे ऐसे ही एक योग गुरु से जिनका अक्षर योग गुरु के नाम से उनको बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। गुरु जी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि योग के क्या क्या फ़ायदे हैं। योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन के लिए, आत्मा के लिए बड़ी शक्तिशाली दवाई मानते हैं। जो व्यक्ति योगा करता है वो शारीरिक रूप से भी अपने आप को स्वस्थ कर सकता है और मानसिक रूप से भी। कई बार शरीर तो स्वस्थ हो जाता है लेकिन मन नकारात्मक रहता है, तो योग जो है बॉडी और माइंड दोनों को पावरफुल बनाता है। जैसे कि अभी कोरोना टाइम चल रहा था तो लोगों का इस पे कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है, तो उसके लिए क्या क्या योग कर सकते हैं लोग, जिससे मानसिक रूप से ग्रस्त जो इंसान है वो उसको पा सकते हैं। ये स्वाभाविक है क्योंकि आप देखो 12-18 महीने कोई एक जगह कैद सा हो जाए तो माइंड जो है वो नेचुरली डिस्टर्ब होगा। तो इस समय हमें क्या करना होगा, अब धीरे धीरे व्यक्ति बाहर आ रहा है, बातचीत करना, बड़ा लंबा गैप हो गया बातचीत में, हमें बाहर नहीं आ जाना चाहिए, हमें रुक के थोड़ा अपने माइंड को तैयार करना चाहिए। उसके लिए ध्यान बहुत शक्तिशाली उपाय है, ध्यान करना होगा। ध्यान में भी देखिए कई तरह के ध्यान हैं, चंद्र ध्यान बहुत शक्तिशाली है, तो हमें चंद्रमा का ध्यान या चंद्र का जो उसकी साधना है जैसे ओम सोम सोमाय, इस मंत्र का लगातार जप करते रहें, ओम सोम सोमाय नमः, लगातार इसका जब हम जाप करते जाएंगे तो मन जो है वो शांत हो जाएगा। उसके बाद बाहर निकलना हमारे लिए बड़ा एक सेफ होंगे, हम किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होंगे। चंद्रमा ध्यान के अलावा एक ध्यान है जिसका नाम है स्थिति ध्यान। स्थिति ध्यान का अर्थ है कि जैसे मैं बैठा हूँ, यहाँ पर आसपास क्या क्या है और मुझे कैसे प्रभावित कर सकता है, इस बात को समझना। तो मैं ऐसी कोई भी जगह ना जाऊँ जहाँ पे मुझे डिस्टर्बेंस हो जाए, थोड़ा भी वहाँ रुकना चाहिए, अपने आप को मजबूत बना के फिर आगे जाना चाहिए। तो ऐसे ध्यान अगर हम करेंगे तो हमें लाभ होगा। फिर एक मुद्रा है जो आपको बहुत अच्छे लाभ देगी, मुद्रा का नाम है हाथी मुद्रा। ये भी मन के लिए बड़ी शक्तिशाली मुद्रा मानी गई। तो इस प्रकार से पांचों उंगलियों को जोड़ देना, सीधे बैठ के बस बैठे रहना, या ना तो श्वास का ध्यान है, ना तो कोई मंत्र है, ना तो कोई ध्यान है, बस आप अपनी उंगलियों को इस प्रकार से जोड़ के इनको, इसको मुद्रा योग कहा जाता है, इसमें बैठे रहना। लंबे समय तक जब आप बैठे रहेंगे अपने आप देखेंगे कि आप रूपांतरित हो रहे हैं, आपका मन शांत हो जाएगा। अगर बात करें तो आजकल सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, अपने लिए वक्त निकाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, तो उसके लिए अगर लोग चाहते स्वस्थ रहना तो ऐसे कौन कौन से योगों को किया जा सकता है जो कम समय में हो सके और लोगों को स्वस्थ रख सके। बहुत अच्छा, इसमें क्या है क्योंकि समय वास्तव में जब आप सिटी लाइफ में रहते हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता, कब आ रहे हैं ऑफिस से, कई बार 9 बजे का समय लेकिन 11-11 बज जाते हैं, उठने का समय नहीं बन पाता है। तो हमें पहले तो ध्यान रखना है कि डिसिप्लिन आ जाए, सोने का एक समय और उठने का एक समय, अगर यही अच्छा हो जाता है तो आधी बीमारियां तो हम यहीं पर ठीक कर देते हैं, क्योंकि हमें सोना जरूर चाहिए। अगर हम अच्छी नींद लेते हैं शरीर और मन दोनों शांत रहेंगे। दूसरा, समय कम है, 10 से 15 मिनट है, 5 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वज्रासन जैसा एक सरल आसन है वज्रासन कर सकते हैं। ध्यान के लिए श्वास ध्यान, सांस ली उसके ऊपर ध्यान दिया, श्वास छोड़ी उसके ऊपर ध्यान दिया, इससे एंग्जाइटी पैदा नहीं होगी, टेंशन पैदा नहीं होगी। तो ये 10-15 मिनट में ये कुछ सूर्य नमस्कार, वज्रासन या श्वास ध्यान जैसी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर बात करें आजकल के बच्चों की जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं,
उनको क्या होता है कि फास्ट फूड खाने के बाद उनको भूख लगी बंद हो जाती है और उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर बच्चों की भी ना लेके चले तो मोस्टली आजकल के बोलते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद में लोगों को भूख लगनी थोड़ी कम हो गई है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? फिर वापस वही, क्योंकि जो व्यक्ति चिंता में रहेगा उसकी भूख अपने आप ही मर जाती है। आप इसको कहीं भी इसको आजमा के देख सकते हैं, जो चिंतित रहता है वो भोजन नहीं खा पाता है। तो चिंता नहीं करनी है। आप चिंता के लिए क्या है कि जब आप चिंता करते हैं किसी भी चीज़ की, आप उस काम को पहले तो ठीक ढंग से कर नहीं पाएंगे, दूसरा आपका शरीर और ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ट्रेनिंग देनी होती है अपने आप को कि मैं टेंशन ना लूँ। जैसे ही आप बच्चों को या कोई भी जिसका भी इस प्रकार की समस्या है, इस समय टेंशन ना लेने से हमारा शरीर और शक्तिशाली होता है। टेंशन लेने से शक्तिशाली शरीर भी बिल्कुल दुर्बल हो जाएगा। पहला उपाय तो टेंशन नहीं लेना। दूसरा, कुछ अभ्यास हैं उनको नियमित रूप से करना चाहिए। जैसे अगर मानो भूख नहीं लगती तो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, कपालभाति। इन दो प्राणायाम का अगर आप नियमित अभ्यास करेंगे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा स्ट्रांग रहेगा। तो भूख लगना ना लगना दोनों के ऊपर कंट्रोल लिया जा सकता है। कुछ लोग एक्सरसाइज और योगा को कंपेयर करते हैं तो उनको सिमिलर ही लगता है दोनों, इसके बीच में क्या अंतर है? योग से ही आप मान के चलो कि एक्सरसाइज निकलती है। योग एक परम विज्ञान रूप है, क्योंकि योग सिर्फ ये नहीं कहेगा कि किस तरह से आपने अपने हाथों को मूव करना है। योग बताएगा कि जब आप अपने हाथों को मूव कर रहे हैं तो किस प्रकार से नाड़ी तंत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार के आपके लिम्फ नोड्स जो आपकी इम्यूनिटी के कारक होते हैं, ग्रंथियाँ जिनको कहा जाता है, वो प्रभावित हो रही, तो ये अंतर हो जाता है। अब मानो कि अगर मुझे अपने कोलोन, जो एक हमारा एक अंग है जो इवैक्यूएट भोजन को बाहर निकालने में, वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, तो एक्सरसाइज को शायद उतना पता ना हो कि किस तरह से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन के ऊपर काम करता है। लेकिन योग इसके ऊपर एक मास्टरी रखता है। योग बता सकता है कि कब आपने क्या करना है और कैसे आपको लाभ होगा। जैसा कि आपने सुना ही होगा, गुरुजी ने अनेक योग बताए हैं कि किसी को भूख नहीं लगती तो उसके लिए क्या करना चाहिए। हम लोगों को नियमित रूप से अपने समय से ही सोना चाहिए, समय से ही उठना चाहिए, तो आधी बीमारियां तो लोगों की वैसे ही दूर हो जाती हैं। ऐसे ही अनेक खबरों को जानने के लिए बने रहिए एक्सट्रा कास्ट टीवी।